ऐसा। सपने में किसी के साथ कुश्तियां लड़ रहा था क्या? एक्चुअली वो मैं वैक्सीनेशन लगवा रहा था। मुझे लगा किसी के साथ रोमांस कर रहा था तू। महसूस तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। बस महसूस ही करता रही हो तू। सामने वाली पार्टी फूल है। ये तो उसके अंदर दिमाग का फ्यूल डाल, अकल का फ्यूल डाल। अनुहंधों ने फ्यूल डाल के ना आग लगा देगी जी। काटी में भी आया। तेरा काटिए, इसे पता नहीं है कि मैं कैसे काटता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। तेरे अरे भाई, तीन चाय बना दे मलाई मार के। जितने भी फालतू खोर यहाँ आकर टाइम पास करते हैं, उनको ये सूचित किया जाता है कि अगर यहाँ बैठकर फालतू की बकलोली करनी है तो डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी यहाँ बैठकर चाय पी सकते हैं और गप्पे मार सकते हैं, नहीं तो लात मारकर शॉप से बाहर कर दिया जाएगा। जाकू का मतलब हो रहे? सीधा सा मतलब है भैये, नेदा घुसवाना पड़ेगा, उसके बाद ही चाय नसीब होगी हम गरीबों को। भैया बात तो, ये वैक्सीन की सुई ना बहुत पतली रहती है यार। साली पतली तो होती है, लेकिन भुतनी की जब घुसती है ना तो खतरनाक दर्द हुए यार। भैया जैसे ही आदमी जब घुसती है ना तो आदमी बिल बिल आ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कौन बिच्छू ने काट खाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो सर, मरवाओगे क्या? ओए रहने दे भैया, रहने दे, मैं तो लगवाऊ, मेरा बाप भी ने लगवाओ, समझ लो। हम बैठ के चाय पियेंगे मजे से, बिना वैक्सीन के पियेंगे, समझ लो। हाँ। अरे चाय दे। अरे चाय बना दे यार, मोमबत्ती पे बना रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो, जल्दी दे। अबे भूतनी के ऐसे टुकुर टुकुर करके क्या देख रहे हैं? हम क्या कोरोना के कजिन हो रखे हैं जो चाय नहीं पिला रही है तू? अरे भैया मैं सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। सर्टिफिकेट? ठीक है लट, कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हो तू? बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो? बर्थ सर्टिफिकेट लेके चाटूंगा क्या? अबे तो भूतनी के तो फिर कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए बे? यार लॉन्डो। हाँ हेलो अमल खान, मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मैं वैक्सीन लगवा लेता हूँ यार, कैसे रहोगे? अबे बावले तेरा दिमाग फिर गया क्या? अगर तूने वैक्सीन लगवा ली ना तो चित कबरा हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ यार तेरी कसम सच्ची, मेरे मामू के पड़ोस में ना चाचा रहे हुए, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। फिर क्या था यार मलखान, अगले दिन जब उनको देखा तो आंखें बाहर आ गई, पूरी तरह से चितकबरे हो गए थे वो। हाँ ठीक है, कैसे कांप रहे हो? ऐसे लग रहे हो कुत्ता को ठंड लग गई। फोन आ रहा है सारा वाइब्रेटर पे चल रहा है। ओह माय गॉड, जरूरी कॉल है यार। अबे कहाँ को जा रही है? अरे बोल तो दिया जरूरी कॉल है तो सारे यहीं पे बैठ के सुन लेना। यही कर लूं? हाँ सारे हमेशा बिल्ली मत बना कर, रस्तों काट जाता है जब देखे जब इम्पोर्टेंट कॉल है। चल बस जा भैया जा, ऐसा लग रहा है जैसे हेल्थ मिनिस्टर का फोन आने वाला है तेरे पास। जवानी कुत्ता भी ना पूछ तो। रूसा को कॉल। हेलो रूसा, तुमने मेरे को फोन करो है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? या एवरीथिंग इज ऑल राइट। एक्चुअली मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आई एम मिसिंग योर टीका। तुमको मुझे याद आ रही है? मुझको भी याद आ रही है। सुनो मैं आ जाऊं तुम्हारे पास इस वक्त? नहीं नहीं नहीं, अभी बिल्कुल मत आना, मेरे जीजू किसी ऑफिशियल काम के लिए भिंड मुरैना गए और दीदी ना अकेली है। भिंड मुरैना गए, कोई बात नहीं, तो तुम बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, व्हाट कैन आई डू यू? ओके एक काम करते हैं, कल 12 बजे अफीम कोठी पर मिलते हैं, मुझे तुम्हारे 12 बजाने हैं। तुम्हें ना किस करने का बहुत मन कर रहा है। किस कर? अरे
ऐसी ऐसी बात मत करो रूसा, तुमको चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश हो जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। लिसन, अभी बेहोश मत होना, कल किस करने के बाद तुम होश खो बैठना, बेहोश हो जाना। ठीक है रूसा, सुनो मैं तुम्हारे पास में कल आ जाऊंगा, लेकिन तुमको है ना मुंह से एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी। सुनो, जा बात है ना वो अनपढ़ मुच्छल और वो कच्चा टिलुआ, वहां को नहीं बताना प्लीज। अरे बिल्कुल नहीं, ऑब्वियस ही बात है, उनको तो कानो कान भी खबर नहीं है। तुम ये बात बिल्कुल उनके साथ शेयर मत करना, ओके? कसम है तुम्हें मेरी। अरे मैं तो मरे ना बताऊंगा। ठीक है चलता हूँ। आई लव यू। बताइए, डॉक्टर हो कि वैक्सीन नहीं लगवाया? मैं तो उसकी गिनती डॉक्टरों में करता ही नहीं हूँ, वो डॉक्टर से थोड़ा कम है और तांत्रिक से थोड़ा ज्यादा है। अरे भाई, तू डॉक्टर होने का ढोंग क्यों करते हैं? इससे लोगों के दिल में गलत उदाहरण सेट होता है कि जब डॉक्टर ही वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, हम वैक्सीन क्यों लगवाएं? अरे भाई, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, वो डॉक्टर नहीं है, वो एक छलावा है, छलावा। आज एक वैक्सीन लग गई, दूसरी 2 महीने बाद लग जाएगी। चाय फिर भी नहीं मिलेगी भैया? क्यों नहीं मिलेगी, मैंने वैक्सीन लगवा तो ली है। अबे तो एहसान किया है क्या है? अपने आप को डॉक्टर कहता है, तुझे तो सबसे पहले लगवाना चाहिए था। अरे प्रेम भाई, वो क्या है ना, मैं डॉक्टर तो बन गया हूँ, लेकिन आज भी मुझे सुई से बहुत डर लगता है। अच्छा, और जो तू दुनिया वालों को सुइयां घुसेड़ता रहता है, उसका क्या है? प्रेम भाई, आज तक दुनिया वालों को सुई लगाता रहा, लेकिन आज मुझे जब खुद के लगी, तब पता चला कि दर्द कितना खतरनाक होता है। तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। ठंड से गुर्दे मुंह को आ रहे हैं। हाँ यार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओ चले, चाय पिला दे। ओ धीके लट, मना मत करियो, वरना कान के नीचे ना ऐसा लपट लगाऊंगा, लपक के सारे ही बेहोश हो जाओगे। अबे ओ उल्लू की तरह आंखें फाड़ के क्या देख रहे है तू? अबे बावले, दोनों वैक्सीन लग गई हैं हमारे, चल चाय पिला दे जल्दी से मेरी जान, ठंड बहुत हो रही है। सर्टिफिकेट दिखाओ पहले। अरे यार निकालो भैया, इसको सर्टिफिकेट दिखाओ। सोलो थानेदार है हमारी जान को। ले ले। सर्टिफिकेट तो ठीक है, पर चाय नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बे? पहले उधारी चुकाओ फिर चाय मिलेगी, बिना उधारी चुकाए चाय नहीं मिलेगी। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? मम्मी, भाभी जी अगर मैं ये कहूं कि एक मुसव्विर की हसीन मुजस्मे के सर के ऊपर सफेद कबूतर बैठा हुआ है तो ये गलत ना होगा? आप क्या बोले? तो भाभी जी आपने ये नर्स की टोपी क्यों लगा रखी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया एज ए नर्स? अगर आपने ऐसा कर लिया है तो उस हॉस्पिटल के मरीजों की खैर नहीं भाभी जी, इट विल बी अ जेनोसाइड। हम कोनो अस्पताल में नर्सिंग मनाए बने हैं? अभी नर्स मैंने 4 दफा बोला भाभी जी, आपने 1 दफा बोला, अब आपने सिम्मा क्यों लगा दिया बीच में? नर्स ही तो होता है, आप जान उसे कर देना। हम जी और लड़के भैया आज अंगूरी आओ पगली, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। तिवारी जी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अपनी उम्र देखिए और ये डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं आप भाभी जी के साथ? आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आप में हिम्मत है तो मुझसे खेलिए। प्ले विद मी डॉक्टर डॉक्टर, कम ऑन। एक मिनट, देखिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। यही कि अगर आप नर्स होते तो हम आपके साथ डॉक्टर डॉक्टर जरूर खेलते। और एक बात और, यहाँ आइए जी। क्या है, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। मॉमी आओ पगली, टीकाकरण करते हैं, सुई तैयार है। लड्डू के भैया, इस लड्डू के भैया के मैं लड्डू फोड़ना तू तो मेरा नाम भी। शांत रहिए, ऐसे ना ही बोलिए। दिस इज टू मच
मतलब एक हसीन तरीन खूबसूरत बीवी एक काइया लोमड़ के हाथ लग गई है, मतलब उसका कदर ही नहीं है उसको। भाभी जी आपका मन मान रहा है वो आदमी, आप जैसी औरत का मन मान रहा है, डिस्गस्टिंग, कोई शर्म ही नहीं है इस आदमी में। वैसे भाभी जी क्या मन कर रहा है आपका बताइए। चुन्नीगंज का सिनेमा हॉल है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ एक तो फिल्म लगा है आराधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब वो फिल्म देखने का ना हमरा बहुत 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 दिल कर रहा था, हम जब पूछे रहे लड्डू के भैया को तो मना कर दिए हमको। अभी जी धार्मिक फिल्म है ना, मैं भी बहुत धार्मिक। हाँ वो तो लगता है। एक्चुअली क्या भाभी जी, ऐसी फिल्में देखने के लिए ना आपके अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए, क्योंकि लड्डू के भैया में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है अधार्मिक फिल्में देखने का ना हमको बचपन से ही बहुत ही शौक है। जब भी हम धार्मिक फिल्म देखते हैं तो हमको बहुत सेपरेशन फील बा होता है। सेपरेशन तो आपके लड्डू के भैया के साथ होगी। आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ, 609 वाले शो के आखिरी के दो टिकट बचे है गए, 300 के दो ले लियो, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। आ जाओ भैया, 300 का दो है, बेहतरीन फिल्म, मजा आ जाएगा, गुर्दे में जान आ जाएगी। आ जाओ भैया, आ जाओ, ग्राहक आ रही है, आ रही है। लंडू आखिरी के दो टिकट हमको दे दो। वो भैया जे ले लियो, आपको ही माल है, चुपचाप निकाल लियो। अबे लंडू मुझे पता था कि तुम मुझे यही मिलोगे, हमारी कॉलोनी के सबसे काबिल, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट सॉर्टेड एंड मोस्ट एंटरप्राइजिंग, मोस्ट पॉपुलर बॉयज। क्या बात है सेठ जी, आज आपकी जुबान से हमारे लिए तारीफ के फूल झड़ रहे हैं। जान सकता हूँ ये चापलूसी का शहद क्यों लगाया जा रही है? क्या भैया साफ साफ बता दियो, आपको ना हम लोगों से का काम है को? देखो बलौना ऐसा है कि यार ये जो हाउसफुल चल रहा है और मुझे 609 की दो टिकट चाहिए यार, प्लीज करके दो ना यार, प्लीज 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 प्लीज। ओहो सॉरी सेठ जी, आप लेट हो गए, हम दोनों तो आउट ऑफ स्टॉक हो गए। भैया दरअसल बात ये आ गई कि 609 वाले शो की ना आखिरी की दो टिकट बची आई थी, वो हमने इन भाई साहब को दे दी है जो आपकी बगल में खड़े है। भाई साहब आप ये फिल्म देखने आए? ना ना, हम तो पहले जो कतार में लोग बैठे होंगे उनके सर में कितना जू है वो चेक करके गिनेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कर लेते मजाक आप, अच्छा अच्छा कर लेते, अच्छा कर लेते। देखिए क्या आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये इस 609 की दो टिकट ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज वो टिकट मुझे दे दीजिए ना, प्लीज प्लीज। काय बे तुमको काय दे दे टिकट, हमका नहीं देखने का ही फिल्म। देखिए मैंने ना किसी से वादा किया है, और फिर ये धार्मिक फिल्म है, आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप बहुत काइया और बड़े छिछोरे टाइप हैं। आपको फिल्म पसंद नहीं आई, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, ओके, आई मीन नो हार्ड फीलिंग। बहुत बेइज्जती हो गई, ठीक है निकल लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब, देखिए क्या है कि जो आपने टिकट लिए ना मैं आपको दुगने पैसे देता हूँ, आप इस टिकट में दे दीजिए प्लीज। विभूति सेठ दुगने तो छोड़ो, जितने का टिकट है तुम उतने भी ना दे पाओगे। क्योंकि भैया आप नल्ले है गए। देखिए भाई साहब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं आपको डबल पैसे दे दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्लीज वो टिकट मुझे दे दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। नहीं देंगे तो का कर लोगे बे, का मतलब का कर लोगे तू हमारा? हमारे लिए एक कप चाय बना के लाओ पगली। क्या वो नाराज चल रही हो क्या? क्या हुआ? अच्छा हमको बुरा ना ही लगेगा आप हमको फिल्म दिखाने के लिए तक मना कर दिए? अरे पगली समझा करो, अब इतना खर्चा करके छोटी छोटी कुर्सियों पर बैठना, फिर वहाँ समोसे वोसे खा के अपना पेट खराब करना। आइडिया समोसे, हाँ हाँ वो तो आप हमेशा ही खिलाते हैं ना।
आज तक ना ही खिलाए हैं और हर बार का बोलते हैं, ई समोसे का तेल खराब है, ई का आलू खराब है, पेट खराब हो जाएगा। और वो कोल्ड ड्रिंक पिलाना, वो कब पिलाए? ओके लिए भी बोलते हैं कि कितना ठंडा होता है, गला खराब हो जाएगा, ठोटो ठोटो खासोगी। अरे पगली, तुम हम ये कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे जाना ही क्यों जहाँ की चीजें खा के स्वास्थ्य खराब हो। हम तुम्हें उससे भी अच्छी जगह ले जा रहे हैं। कहाँ? हमारे एक दोस्त के यहाँ खाने पे सपरिवार बुलाया है। सच्ची? हाँ। कौन सा वाला दोस्त है? है हमारा कॉलेज का दोस्त है, बहुत मालदार पार्टी है, हाल ही में कनाडा से वापस आया है। क्या बात कर रहे हैं, आपके हॉर्नर दोस्त भी हैं? शायद तुम फॉरेनर कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं, आपके विदेशी दोस्त भी हैं क्या? फिर तुम हमेशा में हल्के में मत लिया करो, समझी? हमारा बहुत पुराना खास दोस्त है, खास। क्या बात है, तो आप उको बोलकर वहाँ विदेश में कच्चे बनियान का खोका हमें मतलब साफ कहे ना ही खोलते हैं। अरे पगली, तुम समझा करो, हमारे जो कच्चे बनियान है वो देसी आइटम है, और विदेशी लोगों को ना ये देसी चीजें हजम नहीं होती है। कच्चा बनियान खाने का चीज है का? हाँ, उमे हाजमा कहाँ से आ गया बीच में, वो तो पहनते हैं। ठीक है, फिर तुम ही बात कर लेना, ठीक है? शाम को चलना है, तनिक बढ़िया सी साड़ी वाड़ी पहनकर एकदम तैयार रहो। हाँ, समय का बहुत पाबंद है, वो समय पर पहुँचना नहीं बुरा मान जाएगा, समझ गई? हाँ ठीक बा, आप चिंता ना है कीजिए, हम टाइम से पहले ही डैडी हो जाएंगे। जाने क्यों ओ किसी पे मरते हैं, जाने क्यों। अभी ये जिस दिन जाने क्यों का जवाब मिल जाएगा ना, उस दिन प्यार करने का जो मजा है ना, खत्म हो जाएगा। बोले भाभी जी, आप गाने तो बकायदा बड़े प्यार वाले गाते हैं, जब आपसे प्यार का इजहार किया जाए तो आप क्या बोले? बोल के सारे जज्बातों पे, सारी तमन्नाओं पे, सारी उम्मीदों पे पानी फेर देती है एक बारी में। भाई दिया, पानी तो यहाँ है भी नहीं, अब क्या बोलते हैं, हमारे सब ऊपर से जाता है। जाने दीजिए, वो सब छोड़िए, ये देखिए क्या लाया हम आपके लिए, बताइए क्या आई है। क्या है? ये तो धार्मिक फिल्म का टिकट है। यस भाभी जी। अंकु भाभी जी, शो हाउसफुल था, 6 से 9 की टिकटें सारी खत्म हो चुकी थी, लेकिन आपकी खुशी के लिए एक बंदे के हलक में हाथ डालकर टिकट खींच के लेके आया हूँ सिर्फ आपके लिए। हाय दिया, ये हलक में कहाँ रखे थे टिकट? सबके जाऊँ आपके इस बॉडम पने के, क्या बात है। भाभी जी तैयार रहिएगा शाम को, 6 से 9 got a date। शाम को तो हम नहीं चल सकते हैं, वो काहे कि लड्डू के भैया के साथ उनके एक दोस्त आए हैं ना, वो हमको किलर पर ले जा रहे हैं। तो कर रहा है कि लड्डू के भैया का खून कर किलर बन जाऊं। अभी जी वो डिनर कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, वो हम एक दावत पर जा रहे हैं। भाभी जी काम करते हैं, पहले मैं और आप फिल्म देखते हैं 6 से 9, उसके बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा लड्डू के भैया के फ्रेंड के यहाँ, सिंपल। ऐसा ना ही हो सकता है, वो कहा है ना कि लड्डू के भैया के दोस्त है ना, वो विदेश से आए हैं, और आपको तो पता है विदेशी लोग टेम के कितने पक्के होते हैं। नहीं नहीं, वो फालतू में हम पर नाराज हो जाएंगे, कहा है कि हमको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा हाँ वहाँ जाने के लिए। अभी तो हम स्त्री भी ना आए कि साड़ी पर, एक तो काम कीजिए ना, ये पालक जरा सुधार दीजिए, हम साड़ी स्त्री कर लेते हैं। ए मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। क्या भाई साहब, क्या सुबह आपसे फिल्मों का कलेक्शन मांगा आपका, इतने अच्छे कलेक्शन है आपके पास, ये ना। अरे बदतमीज हो यार तू। अरे भेज दीजिए ना, अरे शेयर नहीं कर सकते क्या कलेक्शन? है ना, हमको बहुत ही दुखी कर दिए। क्यों, लेकिन क्या ऐसे क्या बोल दिया तिवारी जी ने आपको? कहा है ना कि उनके एक छो दोस्त आए हैं विदेश से, तो वो हमको सुबह बोले रहे कि वो शाम को हमको अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन फिर वो हमको मना कर दिए। क्यों क्यों? वो कहा
है बोले हमसे कि तुम्हारा अंग्रेजी बहुत ही बुरा है और वो लोग बहुत मॉडर्न है और तुम बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं हो। What? तिवारी जी said that? My God, इतनी घटिया सोच है उनकी। भाई घटिया आदमी की घटिया सोच होगी। अभी आप बताइए मुझे, डिटेल बताइए कि क्या हुआ। I want to know more about it. वो लोग ना सब अंग्रेजी में बात करते हैं और लड्डू के भैया हमको बोले रहे कि तुम्हारा अंग्रेजी इतना भयात है और तुमको बिल्कुल भी अच्छा अंग्रेजी बोलते ना ही आता है और तुम्हारी वजह से हमरा वहाँ बहुत कंसल्ट हो जाएगा। कंसल्ट तो तिवारी जी को करना चाहिए, किसी मेंटल स्पेशलिस्ट को। That's right. वैसे वो कंसल्ट नहीं होता है, वो इंसल्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो हमको बोले कि तुम एक ठो नंबर की गवार हो, तुम्हारा अंग्रेजी बहुत ही भाई आता है, इसके लिए वो हमको उनके बारटेंडर दोस्त क्या नाए ले गए। नहीं नहीं, वो बारटेंडर नहीं, वो फॉरेनर होता है, फॉरेनर हो। नहीं, यस दैट्स राइट। ऐसे ही पकड़े हैं। अभी जी प्लीज डोंट बी सैड, आप दुखी मत होइए। देखिए अगर तिवारी जी आपको नहीं समझते ना तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। गुड मॉर्निंग भाभी जी। हमने कहा गुड मॉर्निंग भाभी जी। व्हाट्स सो गुड अबाउट दिस मॉर्निंग तिवारी जी? भाभी जी हमारी गुड मॉर्निंग तो आपके दर्शन मात्र से हो जाती है। इसका मतलब तिवारी जी कि आप मुझे मानते हैं? मानते हैं? अरे भाभी जी हमारा बस चले तो हम तो हर रोज आकर आपके समक्ष अगरबत्ती जलाएं, आपके समक्ष मंत्रोच्चारण करें। रमेश तिवारी जी, तिवारी जी मैं जानना चाहती हूँ कि आप मुझे इतना क्यों मानते हैं? आप या ऐसी ऐसी क्या खूबियां हैं मेरे अंदर? भाई जी एक खूबी हो तो बताए ना। आप तो गुणों की खान हैं, मॉडर्न कॉलोनी की सबसे मॉडर्न महिला हैं आप। भाभी जी एक समय में हम अंग्रेजी भाषा के गुलाम हुआ करते थे, आज अंग्रेजी भाषा आपकी गुलाम है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस औरत को अंग्रेजी आती है वो मॉडर्न औरत है और जो मॉडर्न है उसे इंग्लिश आती है और इसीलिए आप अपने आप को एक मॉडर्न लेडी से जोड़ना चाहते हैं सो दैट मार्केट में आपकी इज्जत बनी रहे, आपकी इज्जत बनी रहे, आपका सर ऊंचा रहे और जिस लेडी को इंग्लिश नहीं आती है वो मॉडर्न है ही नहीं, वो गवार है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नो बेबी, यस। नहीं भाभी जी ऐसी बात नहीं है। नहीं तिवारी जी मुझे इस वक्त इतनी शर्म आ रही है कहते हुए कि मैं आपको अपना दोस्त मानती थी। भाभी जी अचानक से ये आप क्या कह रही है? ये बिल्कुल आपकी सोच इतनी छोटी है, इतनी घटिया है, इतनी क्या कहूँ मैं तिवारी जी, आप बस आपने एक इतना एक सिंपल लॉजिक बना लिया है कि जिस औरत को इंग्लिश आती है, अंग्रेजी आती है वो मॉडर्न है, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। भाभी जी माफ कीजिएगा, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नो, ज्यादा बनने की कोशिश मत कीजिए तिवारी जी, मैं बराबर जानती हूँ, मुझे अंगूरी जी ने सब कुछ बता दिया है कि आपने किस तरीके से उसे मिसट्रीट किया हुआ है। तिवारी जी मुझे इतना अफसोस हो रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि अंगूरी जी जैसी लेडी आपकी बीवी है, उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और आपने उसके लिए क्या किया? क्या हमने क्या किया? उसे धुतकारा, यू लेट हर डाउन। हाँ, जस्ट बिकॉज उसे इंग्लिश नहीं आती है, आपको लगता है कि वो मॉडर्न नहीं है और आपको लगता है कि उसमें इतनी क्वालिटी नहीं है, इतना क्लास नहीं है कि आप उसको अपने विदेशी दोस्त के पास घर पर लेके जाओ, बिकॉज यू थिंक दैट शी इज नॉट मॉडर्न। नहीं भाभी, इट इज नॉट राइट, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। नो, डोंट ट्राई टू से एनीथिंग, डोंट ट्राई टू से एनीथिंग तिवारी जी, यू हैव मिस्ड दैट ट्रेन। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू राइट नाउ बिकॉज फ्यू थिंग्स। तिवारी जी अंग्रेजी आने से इंसान मॉडर्न नहीं कहलाता, इंसान मॉडर्न तब कहलाता है जब उसकी सोच करंट दुनिया से मिलती जुलती हो, व्हेन ही इज वॉकिंग हैंड इन हैंड विद द करंट थॉट प्रोसेस जनरेशन, दैट्स व्हाट मॉडर्निटी इज ऑल अबाउट। इंग्लिश नो इंग्लिश, इट डजंट मैटर। सॉरी भाभी जी, सॉरी। नो तिवारी जी, आई टेल यू व्हाट, आपको एक मॉडर्न बीवी चाहिए? या मैं अंगूरी जी को मॉडर्न बनाऊंगी और मैं उसे इतना मॉडर्न बनाऊंगी कि जब आप मॉडर्न कॉलोनी में उसका हाथ पकड़कर चलेंगे तब आपको बहुत ही अजीब फीलिंग आएगी क्योंकि वो बहुत मॉडर्न लगेगी लेकिन आप बहुत गवार लगेंगे। सो यू जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर मनमोहन तिवारी जी। नो, इनफैक्ट यू डोंट डिजर्व मिस्टर, यू वेट एंड वॉच मनमोहन तिवारी। Hmm.
मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो मिस्टर भरभूति, भारतीय भवन। भाभी जी मैं भरभूति जी से मिस्टर भरभूति कब हो गया? और भाभी जी आप ये अपनी रूठी हुई अंग्रेजी में सवाल मत पूछिए हमसे, कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं, ये बताइए कैसा लगा हमारा ये फर्राटेदार अंग्रेजी? हाँ भाभी जी आपका अंग्रेजी स्टाइल देख के मुझे महसूस हो रहा कि मैं गंवार हूँ। ये तो कछु भी नहीं है, अभी आगे आगे देखते जाइए। हाँ हम ना अपने अंग्रेजी मॉडर्न स्टाइल से ना लोगों को सेटिस्फाई कर देंगे। हाँ अभी आपके मॉडर्न स्टाइल से सेटिस्फाई ना होने वाला, अब वो टेरिफाई कहना चाह रही हैं भाभी जी। सही पकड़े हैं। आपको पता है अनीता जी हमको और भी बहुत कुछ सिखा रही हैं। अनु क्या क्या सिखा रही है और आपको? उना हमको बोली रही कि अगर लड्डू के भैया हमसे बहुत झगड़ा करेंगे या बहस करेंगे या फिर हमको बहुत परेशान करेंगे ना, तो हमको ना उनको केवल एक लाइन में जवाब देना है। और वो जवाब क्या होगा? टॉक टू माई हैंड, टॉक टू माई हैंड। अनु भाभी जी को बरकला रही है और मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। नो नो नेवर एवर एवर। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप क्यों पढ़ रही हैं झंझटों में, ये सब करती अच्छी लगती नहीं भाभी जी आप। और सोचिए कि अगर तिवारी जी को मालूम पड़ेगा कि आप ऐसा बिहेव कर रही हैं उनके साथ, उन्हें कैसे महसूस होगा बताइए आप। चलिए आपस की बात। बड़ा आपको उनका फिक्र है और उनका का जो हमरा इतना बुरा तरीके से दिल तोड़े है। हाँ अब वैसे भी अनीता जी ये नारी सम्मान के लिए नारी शक्ति के लिए मुहिम छेड़ी है और एक नारी होने के नाते हमको उनका मदद करना चाहिए। हाँ अगर तिवारी जी को मालूम पड़ेगा कि आप अनु का साथ दे रही है ना, तो उनके जो गुर्दे हैं झुलस जाएंगे। तो उम्मीद का है? हाँ और लड्डू के भैया को हमसे इस तरह बात करना चाहिए था बताइए हमको, क्योंकि पहले तक तो वो कभी भी हमको ऐसा नहीं बोलते थे बल्कि हमारी अंग्रेजी का बहुत तारीफ भी करते थे वो। पता नहीं अचानक से ऐसे तंज काहे कसने लगे हैं। हो सकता है कि उनका मूड खराब हो इसीलिए। नहीं नहीं ये मूड बा खराब होने वाला बात नहीं है। उनको तो लगता है कोनो उल्लू का नाती मिला है उनको, जो हमारी अंग्रेजी को लेकर ना उनको कछु उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया है। देखिए क्या है कि जो आपके फ्रेंड आए कनाडा से, अगर वो आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे आप तो मैनेज कर लेंगे समाओ, आई नो। लेकिन अगर वही बात भाभी जी से करेंगे तो भाभी जी क्या करेंगी? क्या करेंगी भाभी जी? आर यू श्योर भाभी जी? कभी भी नहीं किया लड्डू के भैया ऐसा, और उस ससुर का नाती हमको एक ठो बार मिल जाए हाँ तो हम उनका ऐसा हालत करेंगे ना, पहले तो उनके मुंह पर ना गर्मा गर्म ये झारा चिपटा देंगे। हाँ उनके पास बेलन से उनके सारे दांत तोड़ देंगे और जैसे जो पकौड़े तल रहे हैं ना उनके गुर्दे निकाल कर तल देंगे। बस करिए भाभी जी बस करिए, आप ऐसी बातें करती हुई भगवा देती हुई अच्छी नहीं लगती है आप। अच्छा वो आदमी हाँ हमारे जीवन में भूचाल ला सकता है और हम उनको खरा खोटा भी नहीं सुना सकते हैं। हम एक तो नया बात एक और सीखे हैं, का है ना टिट फॉर टैट, कैसे को तैसा। अभी जब का फोन आ रहा है। हाँ ठीक बा, अम्मा जी का कॉल है, स्पीकर पर डालते हैं। अभी जो स्पीकर होता है। सही पकड़े हैं। हेलो मिसेज अंगूरी देवी स्क्वीजिंग। अभी जी नॉट स्क्वीजिंग स्पीकिंग। सही पकड़े हैं। और टेलिंग अम्मा जी। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।